अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ़्राइज़ तो वैसे ही सबको बहुत पसंद होते हैं, तो मैं आज एक नई सी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और इस रेसिपी का नाम है अंडे वाले फ्राइज़। बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये इन्ग्रीडियंट्स घर में ऑलमोस्ट सबके पास मौजूद होते हैं। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। मुझे चाहिए थे आलू, मैंने आलूओं को काट लिया था। फिर मुझे चाहिए था मैदा, 3 अंडे, नमक और लाल मिर्च। मैंने 1 किलो आलू लिए थे। मैंने अंडों को ऐड किया और अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। मिक्स इस तरीके से करना है कि सब अंडे आलू के साथ चिपक जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था मैदा। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने पहले हाफ़ आलू लिए थे उसमें मैदा ऐड किया, फिर बाकी हाफ़ आलू लिए थे फिर मैदा ऐड किया, ताकि जो मैदा जो है वो सारे आलूओं को चिपक जाए। फिर उसके बाद चाहिए था नमक और लाल मिर्च। नमक और लाल मिर्च जो है वो आपने हसबे ज़रूरत लेनी है, जितना आपने स्पाइसी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मिक्सचर रेडी हो गया था। फिर मैंने ऑयल देखा, ऑयल गर्म हो गया था। और ये वाले जो फ्राइज़ है ना, वो हमने एक साथ नहीं ऐड करने, इसको एक एक करके ऑयल में ऐड करने हमने फ्राइज़। तो एक एक करके मैं आलूओं को ऐड करी थी इसमें। सब आलू को ऐड करने के बाद मैंने हल्का सा चम्मच चलाया था, ताकि जो है आपस में चिपके ना, और इनको हल्की आंच में पकने दिया था। थोड़ा सा जब पक जाएंगे फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसमें चम्मच बार बार नहीं चलाना, क्योंकि इसकी जो कोटिंग है ना वो उतरने लग जाएगी ऐसे। ये देखिए ऑलमोस्ट ही तैयार हो रहे हैं हमारे फ्राइज़ यम्मी से। दूसरी तरफ मैंने सोचा क्यों ना सॉस बना ली जाए। मेरे पास मायोनीज थी, बारबेक्यू सॉस थी, ग्रीन चिली सॉस थी शंग्रीला की, और मैंने इन सबको ऐड किया। मैंने थोड़ी सी और की क्रीम ऐड की, थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी, रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। और ये सॉस इतनी मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप लोग ये सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग ये सॉस जो है वो शवारमा में भी ऐड कर सकते हैं, बर्गर में भी ऐड करके लगा के खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ऑलमोस्ट सॉस जो थी वो रेडी हो गई थी, और जो दूसरी तरफ हमारे फ्राइज़ भी रेडी थे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये छोटा सा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से हमारे लिए। तो ये जी हमारी मम्मी से ऑलमोस्ट फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। मैंने इनको स्टेन किया अच्छे से, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रहे। और ये जी अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत यम्मी लग रहा है देखने में, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी मेरे एग फ्राइज़ रेडी हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने थे अंदर से, बहुत यम्मी थे। ये सॉस के साथ लगा के खाएँ, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।